हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 25 बच्चों का भविष्य बनाने के लिए मजबूरी में माता पिता मौत के रास्ते भेजते हैं अपने बच्चों को स्कूल। जब बड़ा हादसा होगा तब जागेंगे प्रशासन और नेता। पिंडवाड़ा तहसील के ग्राम पंचायत अचपुरा के अंतर्गत नया घरवास, जहां 70 घर हैं और 25 बच्चे रोज 4 महीनों के लिए अपनी जान का जोखिम लेकर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्कूल के बीच की नदी पार करते हैं, मगर नया वास के बच्चों को हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना ही पड़ता है और फिर छुट्टी पर अपने स्कूल से घर भी लौटना पड़ता है। ये वीडियो देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतने छोटे बच्चे अपने आधे शरीर से ऊपर बहती तेज गति से नदी को पार करते हैं। ये काम हर किसी के बस का नहीं है, ना ही किसी में इतनी हिम्मत है, मगर माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए मौत के मुंह से भविष्य बनाने के लिए भेजना पड़ता है। मगर क्षेत्र के नेता और अधिकारियों का उन बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। नेताओं का चुनाव के समय वादा ही रहता है कि वो सब कुछ करेंगे, अधिकारियों को तो लेकिन कुछ लेना देना ही नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को अनेक बार अवगत कराने के बाद भी इस पर रपट और पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। इसमें बहाव तेज होने पर स्कूल के बच्चों को घर रहना पड़ता है या फिर उनके अभिभावकों को उन्हें नदी पार करवानी पड़ती है, जो कि काफी जोखिम भरा है। कभी भी कोई भी दुर्घटना पेश हो सकती है, उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्योंकि माउंट आबू में जोरदार बारिश से झरनों का पानी नयावास के पास बहती नदी चारों महीनों तक लगातार वेग के साथ बहती है। जागरूक टीवी के लिए नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।